किसकी जिंक सल्फेट की एल्युमिनियम है, और हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि कौन सा मेटल हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल हमारा कम रिएक्टिव है। तो फर्स्ट लिमिट है कि जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या लिया हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर, ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर, जिसका कलर कैसा है ब्लू कलर है, सबको नजर भी आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। अब जिंक सल्फेट के अंदर हम इसके कॉपर सल्फेट के अंदर हम क्या डाल देंगे, जिंक मेटल को क्या कर रहे हैं डाल रहे हैं। जिंक का कलर कैसा है हमारा, ग्रे कलर है, कैसा कलर है ग्रे। अब हम देखेंगे अगर ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ, इफ द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर देन इट विल डिस्प्लेस, वो क्या करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज, जो एलिमेंट हमारा ऊपर लाई कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले से। अब तक हमने पढ़ा है सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक ऊपर लाई कर रहा है हमारा और कॉपर नीचे कर रहा है, इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर क्या कम रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, इसको हटा देगा कॉपर को, और कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू। तो अगर इसका कलर चेंज हो गया इट मीन्स जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर, जिंक क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और इसका कलर क्या होगा। अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, रिएक्शन क्या होगी हमारी, हमने करा क्या है और इसका कलर कैसा था ब्लू, और इसका कैसा हुआ ग्रे। कलर हल्का हो रहा है नहीं हो रहा, ध्यान से देखो ये ज्यादा ब्लू था, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है लाइट होता जा रहा है, कलर लेस हो जाएगा कुछ टाइम बाद। इसका मतलब हमें ये चीज प्रूव हो रही है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस इट, वो इसको क्या करेगा डिस्प्लेस। अभी हम कुछ टाइम बाद इसको देख लेंगे।